नमस्कार, आज हम बात करेंगे सिलोसिया की। ये देखिए, तो सिलोसिया को कोक्स कोम, उसकी दूसरी वैरायटी है कॉक्स कोम, और ये मुर्गे की कलगी की तरह दिखने में होता है दूसरी वैरायटी। और एक वैरायटी इसकी इस तरह से होती है, एकदम स्ट्रेट निकलता है, और ऊपर से इसका नया ये ऊपर से निकलता जाता है, और नीचे वाले जो हैं इसके ये पुराने होते जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। ये जो नीचे के सीड्स आए हैं, ये वापस से ऐसे इस तरह से हेयरी फॉर्म में ये निकलना शुरू हो जाएंगे। तो एक ही पौधा है मेरा सिलोसिया का, जिसको मैंने लगाया था 25 अप्रैल को, और आज डेट है 6 जुलाई। तो एक महीना 10 दिन में ये पौधा इतना बड़ा भी हो गया, और इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें 3 प्लांट्स हैं, 2 में फ्लावरिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और ये फ्लावर आज के लगे हुए नहीं है, ये काफ़ी पुराने हैं। लगभग 15 दिन, 15 से 20 दिन से ज़्यादा हो गए इसको, 20 दिन तो आराम से हो गए इसको, 20 दिन के पुराने ये फ्लावर्स हैं। और रोज़ इसमें नीचे से ये बुशी हो जाता है, एक कोई जो ये नीचे के आप ये देख रहे हैं छोटे छोटे सीड्स, ये थोड़े बड़े होके ये इस तरह से बुशी हो जाते हैं, और ये जो ऊपर वाला है ये ड्राई होके इस तरह से ये डार्क हो जाता है। तो ये यही मौसम है इसको लगाने का और इसके फूल पाने का। और इसके फ्लावर ऑर्नामेंटल के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक रहता है ये प्लांट। और अब मैं आपको दिखाती हूँ एक ये दूसरा सिलोसिया का प्लांट, ये भी सेम डेट पे लगाया गया प्लांट है, लेकिन इसकी ग्रोथ अगर आप देखें तो इसकी ग्रोथ बहुत ख़राब हुई है। ये देखिए, इसके कंपैरिजन ये छोटा भी है, इसके लीव्स में भी कलर नहीं है, इसका फ्लावर भी छोटा है। तो रीज़न क्या है इन दोनों का इस तरह से ग्रोथ का, जबकि इसको सेम फर्टिलाइज़र दिया गया है, सेम खाद दी गई है, सेम मिट्टी दी गई है, बट हमारा जो एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्लांट्स ग्रोथ का, वो है सनलाइट। तो इन दो प्लांट्स को सनलाइट की अलग अलग कंडीशंस दी गई हैं। एक में इस वाले बड़े प्लांट को प्रॉपर सनलाइट में रखा गया शुरू से ही, और जबकि इस वाले को हमने शेड में रखा था, और बाद में हमने इसको सनलाइट में रखा। तो इनिशियली शेड में रखने से ही इसकी ग्रोथ हैम्पर हो गई, और ये अगर आप देखें ये अभी तक से प्रॉपर ग्रोथ नहीं पा पाया है। इसकी ये जो न्यू लीव्स आ रही हैं छोटी, ये न्यू लीव्स, ये तो फिर भी ग्रीन है एज़ कम्पेयर टू ये वाली लीव्स। जो पुरानी लीव्स हैं ये तो पूरी ही अपना कलर फेड कर चुकी हैं। तो जो एक लेसन हमें आज के इससे एक्सपेरिमेंट से या इस अनुभव से जो हमने आज सीख ली, वो ये कि सिलोसिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको सन में रखें। तो आप पूछेंगे, जब आप सीड से ग्रो कर रहे हैं, ये मैंने दोनों पेड़ सीड से लगाए हैं, तो सीड से ग्रो कर रहे हैं जब आप सिलोसिया, तो आप उसको डायरेक्ट सन में कैसे रख सकते हैं? तो आपका पूछना बिल्कुल करेक्ट है, बट इनिशियली आप इसको ज़रूर ऐसी जगह रखें जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना आए जब सीड लगाएं। लेकिन जब एक बार जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाए, ये सीड से फूटने लग जाए, करीब 1 सेंटीमीटर बड़े हो जाएं, तो आप इसको तुरंत ही सनलाइट में रख दें, और ऐसी एरिया में रखें जहाँ ज़्यादा सनलाइट, 6 आवर्स तक सनलाइट आती हो। साथ ही साथ अगर हम वाटरिंग की बात करें, तो वाटरिंग इसको आप उतना ना भी देंगे तो चलेगा, मतलब इन द सेंस कि डेली अगर आप नहीं करेंगे इसको वाटर, तो ये मुरझाता नहीं है प्लांट। इसको आप ऑल्टरनेटिव डेज पे या 2 दिन में एक बार भी अगर पानी देंगे तो भी इसको चलेगा। और अगर अगर आप ओवर वाटरिंग से बचना चाहते हैं, या चाहते हैं कि मतलब आपको नहीं ये कैलकुलेशन समझ में आता है कि 2 दिन हुए कि नहीं हुए, या पानी देना चाहिए कि नहीं, तो आप इसको रोज़ पानी दें, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में पानी दें। जैसे कि मैंने यहाँ पानी रख रखा है, मैं आपको बताती हूँ, इसमें अगर आपको पानी देना है तो बस ये देखिए, मैंने सिर्फ इतना सा पानी दिया कि इसका ऊपर टॉप सरफेस हल्का सा गीला हो जाए, ये देखिए। और बस इतना पानी अगर आप इसको रोज़ देंगे और इसको धूप में रखेंगे, तो
तो ये प्लांट आपका इस तरह से हरा भरा और फ्लावर देगा आपको। तो और सॉइल के लिए आप, सॉइल के लिए मैं जैसे कि हर वीडियो में बताती हूँ, और जो मेरा नॉर्मल प्रोसेस है लगाने का सीड्स में, कि मैं बॉटम में बड़े स्टोन्स रखती हूँ, बीच में मैं अपना गार्डन सॉइल मिक्स्ड विद कंपोस्ट रखती हूँ, 30-70 के रेशियो में या 40-60 के रेशियो में, वो डिपेंड करता है आप कितना बड़ा पौधा लगा रहे हैं या क्या है। जैसे अगर मैं पॉटचुला का या फिर मॉस रोज लगाऊंगी तो उसको इतना कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसमें मैं 30-70 रेशियो रखती हूँ, 30% कॉम्पोस्ट 30% सॉइल। पर इस तरह के प्लांट्स में जिसमें न्यूट्रिएंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये रेड फ्लावर है, इसको भी न्यूट्रिएंट है, इसकी ग्रीन लीव्स भी इतनी अच्छी हैं, और अगर इसका आप स्टेम देखें तो वो भी रेड है, और ये काफ़ी अच्छा सा ग्रो करता है, काफ़ी दिन तक ये फ्लावर रिटेन होता है, तो इसमें मैंने कॉम्पोस्ट ज़्यादा दी हुई है, इसमें मैंने 40-60 का रेशियो दिया हुआ है कॉम्पोस्ट का। और अगर जैसे रोज़ प्लांट है, तो रोज़ प्लांट के लिए आपको फर्टिलाइज़र ज़्यादा देना पड़ता है, तो रोज़ प्लांट में आपका रेशियो 50-50 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका रेशियो हर प्लांट के अकॉर्डिंग वेरी करता है। और टॉप लेयर, जैसे कि मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है कि टॉप 1 इंच की लेयर, 1 इंच की लेयर में, इतने 1 इंच की लेयर में प्रिफर करती हूँ कोकोपीट की। तो और उसी कोकोपीट की लेयर में हम लगाते हैं इसके सीड्स। तो कोकोपीट बहुत इजी ग्रोइंग मीडियम है, सीड्स आसानी से लग जाते हैं, और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको उसकी इम्पोर्टेंस का भी पता चल जाएगा। तो फिर और बाद में जब ये प्लांट ग्रो कर जाए, तो आप इसकी टॉप लेयर से, जैसे ये है, तो इसकी टॉप लेयर से आप इस तरह से ये कोकोपीट हटा सकते हैं, उसकी जगह कॉम्पोस्ट ऐड कर सकते हैं, और वो सेम कोकोपीट आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट प्लांट पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो कोकोपीट रीयूजेबल भी है और लाइट भी है एंड अच्छा है आपके प्लांट्स के लिए। तो फिर और सॉइल, वाटर एंड सनलाइट बेसिक मीडियम्स मैंने आपको उसके बता दिए, और बाकी आप जैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करना चाहें, तो अगर आपने कंपोस्ट कम ऐड की हुई है तो हर 15 दिन में एक बार एनपीके फर्टिलाइज़र मिक्स विद इप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं, और अगर आपने कंपोस्ट ज़्यादा रेशियो में पहले से ही ऐड कर रखी है और ये प्लांट ज़्यादा पुराना हो गया है आपका, तो अगर प्लांट ज़्यादा पुराना नहीं है तो आप 1 महीने में एक बार फर्टिलाइज़र दें, और अगर ज़्यादा पुराना हो गया है तो फिर 15 दिन में एक बार फर्टिलाइज़र दें। तो आशा करते हैं आपको सिलोसिया के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और अभी बारिश का मौसम है, सब जगह बारिश स्टार्ट हो चुकी है इंडिया में, तो अब जिन जिनने ये सीड्स नहीं लगाए हैं वो अभी भी लगाएंगे, तो आपको अगस्त एंड तक की अच्छी फ्लावरिंग के साथ ये पौधा मिल जाएगा। तो आप सबके कीमती समय के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, और कोई जानकारी आप चाहते हैं तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।